दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे लवली यूनू की, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी परेशान होंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि इस समय मैं हॉस्पिटल से वीडियो शूट कर रहा हूं। आप लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो इस वजह से मुझे जो है यहीं से वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो अगर वॉइस में कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग थोड़ा मार्केट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और आप लोग काफ़ी परेशान हैं कि मार्केट जो है डाउन जा चुका है, बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, क्या करें क्या ना। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, परेशान होने से कोई चीज़ समस्या समाधान नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आ चुका है 3000 के रेंज में, ठीक है दोस्तों, 3000 के रेंज में आ चुका है। और लॉ टोकन का भी तुरंत अपडेट आ गया है, इस पर 3100 के करीब में आ गया है। तो आपको बता दें कि लवली यूनू इस समय जो है 2600 के करीब में पहुंच गया था, ठीक है, 2600 से। और ये जो है आप देखिए, इसका लोएस्ट जो गया है बिटमार्ट पे भी आपका 2651 से करके, और जो है 5400 इसका हाइएस्ट दिखा रहा है, और 3000 के रेंज में इस समय चल रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल तो कई हैं और कई तरीके से लोग पैनिक होना भी आप लोगों का स्वाभाविक है, ठीक है। कुछ लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, तो अधिक से अधिक लोग इसको जो है सेल करने पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है अपना बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे ख़रीद लिए थे, तो उनकी प्राइस आधे से भी कम पे आ गई थी। जैसे अगर वो 10,000 रुपये का ख़रीदे थे, तो अगर वो हाई प्राइस पे ख़रीदे होंगे तो वो उस समय 2000 या 3000 या 4000 रुपये के करीब में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। मानते हैं, देखिए मार्केट है, मार्केट कब कहाँ क्या मोड़ ले ले कोई पता नहीं होता, ठीक है। और आप लोग इसमें से कई लोग ऐसे हैं कि जो है बस लवली यूनू का नाम सुन करके कि हाँ रातों रात करोड़पति बना देगा, ऐसा कुछ कर देगा, ठीक है, किस्मत बदल जाएगी, तो ये सोच करके अभी जस्ट क्रिप्टो करेंसी में आ गए। बस ना बिटमार्ट जानते थे इसके पहले, ना वजीरेक्स जानते थे, ना इसके पहले क्रिप्टो करेंसी जानते थे, बस किसी के मुंह से सुन लिए, वीडियो देख लिए, थोड़ा सा ट्रेंडिंग में आ गया, तो जो है लवली यूनू खरीद लिया। अब कहाँ खरीद रहे हैं, किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, ये सब ध्यान नहीं दिए। लेकिन आज भी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अभी भी आप लोगों को सेप्टेम्बर के महीने में वेट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सेप्टेम्बर का महीना बहुत खास, तो सितंबर के महीने में हमें वेट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही साथ जो है मैं आपको बता दूं कि लवली यूनू की जो वेबसाइट है वो थोड़ी सी अपडेट हो गई है, उसके बारे में भी जानकारी देना था आप लोगों को, ठीक है। आप लोग में से कई लोग कह रहे थे कि जो है उनका ट्विटर पे कोई जवाब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो हम आपको वेबसाइट पर लेकर के चलते हैं, वेबसाइट को थोड़ा सा ओपन हो जाने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है और रेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम वापस से इसके रोड मैप पे एक बार नज़र मार लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे लिस्टेड ऑन, ठीक है, यहाँ पे पहले ब्लैक कलर से लिख करके आता था, और ये फिर से आपका थोड़ा पिंक कलर का हो गया है। और इस पर आपके सातों एक्सचेंज जो हैं, जो जहाँ जहाँ पर लवली यूनू लिस्टेड हो चुका है, वो सभी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। बिटमार्ट, BKX, B2B, ला टोकन, हॉटबिट, क्वाइन टाइगर, इंडोएक्स, ठीक है। तो और उसके बाद से जो है आप यहाँ पे रोड मैप पे इनके देख सकते हैं, वेबसाइट लॉन्चिंग, नेबुला ऑडिट, बाउंटी कैंपेन, रिवार्ड प्रोग्राम, पब्लिक सेल ऑन ला टोकन, पब्लिक सेल ऑन P2B, लिस्टिंग ऑन ला टोकन, लिस्टिंग ऑन हॉटबिट, लिस्टिंग ऑन P2B, लिस्टिंग ऑन BKX, लिस्टिंग ऑन बिटमार्ट, ठीक है दोस्तों, लिस्टिंग ऑन पैनकेक स्वैप। तो यहाँ तक तो हो गया था दोस्तों, और लवली स्टेकिंग पे यहीं पर रुका हुआ था, तो इसके आगे ये बढ़ चुका है। और यहाँ पे लवली का स्वैप भी आ चुका है, आप लोग जानते होंगे, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक वीडियो में मैंने बताया भी हुआ था, ठीक है। और लवली यूनू का लॉन्च पैड भी लॉन्च हो चुका है। ये सब आगे की कहानी है, जो कि आगे बढ़ा गया है, इसमें और जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों, इस रोड मैप में लिस्टिंग ऑन क्वाइन टाइगर और लिस्टिंग ऑन इंडोएक्स, ये भी इसमें कर दिया गया। अब इस समय जो काम चल रहा है लवली फार्मिंग और पूल्स के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वो ट्विटर पे भले ही ट्विटर पे वो आकर के करेंगे क्या, ठीक है, उससे बेहतर है कि वो जितना ज़्यादा काम कर सकते हो करें, और सितंबर के महीने में हम लोगों को काम करके दिखाएं, ठीक है दोस्तों। काम जब काम इम्पॉर्टेंट रखता है, उनके बात करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बात करने को तो वो बोल चुके हैं कि हम दिसंबर के महीने में $1 पहुँचा देंगे, और जो कि एक असंभव सी चीज़ लग रही है, ठीक है दोस्तों।
तो वो भैया काम करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों को केवल सितंबर का महीना ही इंतज़ार करना है, ठीक है। मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ, मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ लवली इनू का। बस आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहिए कि अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि मेरे ऊपर इतने दिन तक भरोसा कर लीजिए, तो कम से कम उतने दिन तक नहीं तो उससे थोड़ा कम दिन तक तो भरोसा कर लीजिए। जैसे उसने कहा है कि दिसंबर तक हम $1 पहुँचा देंगे, तो क्या हम लोग सितंबर के महीने में वेट नहीं कर सकते हैं? और देखिए मरता क्या ना करता, ठीक है दोस्तों। अब प्राइस इस रेंज पे आ गई है तो आप लोगों को परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपको सिर्फ वेट ही करना चाहिए। और जो भाई लोग कह रहे हैं कि हम जो है ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी तरीके का ट्रेडिंग नहीं करता हूं। और जो है जो भाई लोग को थोड़ी सी हमको लेकर के समस्या है कि मैं जो है ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा छाप रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटमार्ट पर लवली इनू मेरे पास, मेरी किसी भी वीडियो में आप जा करके उठा करके देख लीजिए, तो वहाँ पर मेरा लवली इनू का जो है होल्डिंग उतना ही है जितना कि मेरा स्टार्टिंग के वीडियो में है, ठीक है दोस्तों। तो मैं जितना भी परचेज़ किया हुआ था और जो है उतना मेरे पास अभी भी रखा हुआ, मैं किसी तरीके का ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मैं वीडियो आप लोगों को बना रहा हूँ कि मैं होल्ड आप लोगों से होल्ड करवा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं जो है उसको सेल करने चला जाऊँ और जो है अपना प्रॉफिट बुक करने लगूँ, नहीं दोस्तों ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। बाकी जिनको जो लगता है वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, उनके लिए वो उनकी मर्ज़ी है, और जो बेचना चाहें वो बेच सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मेरी तरफ़ से आप लोगों को अभी भी वेट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो है सितंबर का महीना आपको ज़रूर देना चाहिए, सितंबर का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम आपको लवली इनू के BSE स्कैन पर जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया बर्न हो जा रहा है और जो है वो लोग वहाँ से मिंट कर ले रहे हैं, मतलब उसको वापस बर्निंग करके और उसको वापस भी ला सकते हैं। तो ठीक है, आप इधर उधर की वीडियो देख करके अगर अपने आप को कंफ्यूज कर सकते हो, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा आप लोगों का, क्योंकि मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करता। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो होल्डर्स हैं वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनके होल्डर्स के अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पर भी हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समस्या है, क्यों आप लोग इतना परेशान हो। तो आप लोगों की यहाँ पे जो बिटमार्ट का सेकंड वाला एड्रेस है वहाँ पे अब सिर्फ 19% बचा हुआ है, जो कि अभी तक 20% था। तो भैया इतना ह्यूज सेलिंग करोगे तो भैया घटना तो घटना है, तो वो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊँगा, ठीक है। वो घटेगा ही, उसके लिए आप लोग परेशान होते हो, परसेंटेज देखते हो, अपना ही बेचते हो और उसके बाद आकर के परसेंटेज देखते हो, तो परसेंटेज तो घटेगा ही यार, क्यों परेशान हो उसके लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है एड्रेस को पेस्ट करके आपके फर्स्ट वॉलेट का, जिनको समस्या है कि बर्न एड्रेस को दोबारा मिंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ। तो यहाँ पे हम दोस्तों आ चुके हैं अपने जो है फर्स्ट वॉलेट के अंदर और इसका थोड़ा सा हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पे देखिए एक बर्न हुआ था आपका 8 दिन पहले और उसके बाद बर्न हुआ था आपका 17 दिन पहले, ठीक है दोस्तों। और एक बार इन्होंने जो है मिंट किया था आपका, वो था जो है 80 ट्रिलियन के करीब में, वहाँ पे मिंट किया था ये लोग अपने वॉलेट से वापस लेकर के उसको आए थे। तो हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप लोग जो YouTube पे जान रहे हो किसी अदर यूट्यूबर्स के ज़रिए से, तो वो बात मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि ये लोग वापस उसको ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ बर्न हो गया है वो चीज़ बर्न हो चुका, और वो ये काम सिर्फ एक ही बार किए हैं और वो भी स्टार्टिंग के ही समय पर किए थे, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं किए हैं। वापस से आप अपने टोकन को वो सिर्फ एक ही बार लेकर के आए हुए हैं, वो स्टार्टिंग के समय में लेके आए हुए थे, वो भी किसी काम की वजह से लेकर के आए रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से पैनिक नहीं हो सकते हैं हर एक चीज़ को लेकर के। देखो यूट्यूबर्स हैं, उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए होगा यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना। अब मैं यहाँ पे आपके आता हूँ Web20 के स्मार्ट एड्रेस पे। तो यहाँ पर भैया देख लो, कहीं भी लवली का मिंटिंग नहीं हुआ है, दोबारा से लवली नहीं लेकर के आया गया, बल्कि स्वाइपिंग का काम इन लोगों का बहुत तेज़ी से चल रहा है। कई लोग स्वाइप कर रहे हैं और SDRSL के माध्यम से वो वापस से लवली इनू में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, या तो इनू को स्वाइप कर रहे हैं जो है DRSL के में, तो उसको सेल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है DRSL खरीद ले रहे हैं उसका, आपका कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लवली इनू का कहीं भी नाम नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँगा, आप देख लो पूरा चार DRSL पे काम है, ठीक है दोस्तों। तो
आपको सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ, पैनिक बिल्कुल नहीं होता है। और हाँ, मार्केट डाउन हुआ है तो मार्केट डाउन हुआ है क्योंकि बिटकॉइन डाउन हुआ है। आप लोग पहले सारे अल्टकॉइन जा करके देख लो, सिर्फ लवली इनू को मत देखा करो। मार्केट केवल लवली इनू के सहारे नहीं चलती है, मार्केट थोड़ा बहुत चलता है तो बिटकॉइन के सहारे चलता है। ऊपर नीचे की अगर पंपिंग और डंपिंग होती है तो उसमें कारण लवली उसमें कारण बिटकॉइन का भी होता है। ठीक है दोस्तों, बिटकॉइन कल अचानक से 52,000 पहुंच करके और आधे घंटे 15 मिनट के अंदर ही 46,000 पे आकर के पहुंच गया। ठीक, अल्टकॉइन जो आपके पहले से पीछे चल रहे थे वो 25% 30% के करीब में डाउन हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर एक चीज़ बच्चों की तरह समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो जा करके बेचो यार, हमको नहीं दे दोगे आप लोग। ठीक है, घाटा सहोगे, मुनाफा सहोगे तो अपना सहोगे। हमको एक भी पैसा नहीं देने आ रहे हो, ना मैं किसी तरह के पैसे की डिमांड कर रहा हूँ। बस आप लोगों से इतना कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस हो तो सितंबर का महीना वेट करिए, नहीं तो अक्टूबर के महीने से तो मैं खुद सेलिंग की वीडियो बनाऊँगा, आप परेशान ना हो। अगर हमें इनका काम नहीं दिखा तो मैं किसी भी तरीके से इसको सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। बस आप लोग इस चीज़ का भरोसा रखो। ठीक है, और जो भाई लोग हमारा भरोसा करते हैं वो लोग अपना भरोसा करके अपने कॉइन को होल्ड करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक ज़रूर मारते चलिएगा, और भी कोई समस्या होगी तो कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट के सवालों का भी जवाब दूंगा आप लोगों को, कमेंट में ही दे दूंगा। नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो बनाने की तो वीडियो बना दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सारे के सारे अल्टकॉइन कोई भी ग्रीन में है आप दिखा दो। ठीक है, जब सारा का सारा मार्केट क्रैश हो चुका है, ठीक है, बाइनेंस ने बिटकॉइन को सेल कर दिया है कुछ मात्रा में, ठीक है, उसकी वजह से पैनिक हो गया है मार्केट। तो अब आप लोग हर चीज़ पे जो है वीडियो खोजोगे तो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोगों को व्हाट्सअप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, हम 3-4 लोग हैं, 4 एडमिन हैं जो आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप लोगों को हमेशा जो है केयर करते हैं आप लोगों की। तो आप लोगों को वो चीज़ समझना होगा और बिल्कुल भी पैनिक नहीं मचाना है। सितंबर के महीने में मेरी तरफ से आप लोगों को वेट करना है। ठीक है, और ठीक है, भगवान ने चाहा तो सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम बस यही कहना चाहेंगे कि जिन भाइयों को सब्र नहीं है, जो लोग नहीं इसको होल्ड कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस अपना लूज कर रहे हैं, तो बेशक भैया आप बेच दो। आपका क्रिप्टो में कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई पूछेगा ही नहीं, आपकी क्रिप्टो में कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी ने बुलाया था और ना आपको किसी ने रुकने के लिए कहा है। आप अपना आराम से बेचो और निकलो यहाँ से, क्योंकि इस तरीके से आप जो है ये सोचो कि आप 10-5 हज़ार भी कमा ले जाओ तो नहीं कमा पाओगे। ठीक है, आप 150 रुपये में ही खुश रहने वाले आदमी हो तो 150 रुपया बन जाया करें, तो निकल के बाहर हो जाया करो किसी भी कॉइन से। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन ये सोचो कि अगर आप 10-5 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 10 लाख ऐसा कुछ कमा पाओ तो ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग भैया क्वाइट कर दो, क्रिप्टो करेंसी छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। आज मार्केट लगातार अप हो सकता है तो एक घंटे बाद वो इस तरीके से डंप हो सकता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो ये सब आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ है, जिनको बेचना हो वो बेच दो, जिनको होल्ड करना हो वो होल्ड करके रखे रहो, हमारे साथ चलो। सेप्टेम्बर के महीने में जैसा भी होगा, सेप्टेम्बर का महीना वेट करते हैं। अगर अच्छा चलता है तो ठीक है, और अगर नहीं अच्छा चलता है तो हम लोग सेल करना अक्टूबर से शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी खोने को कुछ भी नहीं बचा है, आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। तो वेट करना है और वेट ही करना है, पेशेंसली वेट करना है, होल्ड करना है अपने कॉइन को बस। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए कि कोई भी जानकारी हो, कोई भी वीडियो हो, आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, किसी भी तरीके के सवाल करने हो, कोई भी जवाब लेना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर आप लोगों की पूरी मदद करूँगा। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी जानकारी देनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।